और राइट गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को लाइट मैप को यूज करके कुछ इस तरीके का एडिटिंग सिखाऊंगा जो कि ब्राउन कलर में होने वाला है। गाइस, ऐसा एडिटिंग करने के लिए आप लोगों को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, लेकिन गाइस आज जो मैं आप लोगों को एडिटिंग ट्रिक बताऊंगा इसके मदद से आप लोग बहुत ही जल्दी एंड बहुत ही बेहतरीन फोटो को एडिटिंग कर पाओगे। गाइस, यहाँ पर नॉर्मल फोटो आप लोग देख सकते हो कितना घटिया है एंड कितना ब्लैक है फेस, सब कुछ मैं इस वीडियो पर क्लियरली आप लोगों को सिखाऊंगा एंड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो। सो चले ऐसे कमल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर नॉर्मल फोटो देख सकते हो एंड इस फोटो को मैं लाइट मैप के अंदर शेयर कर लिया। शेयर करने के बाद गाइस पहला जो स्टेप है थोड़ा सा कलर रिडक्शन करेंगे हम लोग, लेकिन गाइस फुलफिल कलर रिडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि गाइस जो यहाँ पर शार्ट है वो येलो कलर में है और आप लोग बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर ब्राउन टाइप का कलर नहीं दे पाओगे क्योंकि गाइस शार्ट के अंदर येलो कलर है। सो गाइस मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिटचिंग कर लेता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा एंड ट्रिक बताऊँगा जिसके मदद से आप लोग ब्राउन टाइप का एडिटिंग कर पाओगे, वो भी येलो शार्ट के अंदर भी, ठीक है। सो गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइट वाले ऑप्शन, इसके अंदर प्रेस करके लाइट को एडजस्ट कर लेना है। सो मैं यहाँ पर से लाइट को एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट को हाई करूँगा, शेडो को माइनस की तरफ, व्हाइट को हाई और उसके बाद ब्लैक को हाई। एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाकर मिक्स वाले टूल के अंदर जाना है, थोड़ा सा लुमिनेशन को हाई कर देना है एंड ऑरेंज कलर का जो लुमिनेशन है उसको हाई करना है, ठीक है गाइस। और उसके बाद सैचुरेशन को माइनस की तरफ। एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर से ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन को हाई कर देना है, येलो कलर का जो सैचुरेशन है इसको भी हाई कर देना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों यहाँ पर ब्राउन टाइप का कलर नहीं आएगा फोटो के अंदर, ठीक है गाइस। गाइस जैसे कि यहाँ पर शर्ट के अंदर येलो कलर है और बैकग्राउंड के अंदर आप लोग येलो कलर देंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ब्राउन टाइप का कलर शर्ट के अंदर भी आ रहा है, लेकिन गाइस हम लोग शर्ट को यहाँ पर येलो ही रखना चाहते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर से आप लोगों को डन पर टैप करके व्हाइट बैलेंस को ऑटो पर छोड़ के देख लेना है और उसके बाद गाइस आप लोगों को इस फोटो को सेव कर लेना है। एंड सेव करने के बाद गाइस ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर चला जाना है और वहाँ से गाइस बैकग्राउंड कट करेंगे एंड न्यू बैकग्राउंड लगाएंगे जो कि ब्राउन कलर में होगा, ठीक है, मोटे ब्राउन कलर में। सो चलिए ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर। ऑल राइट गाइस, जैसे कि ये है रिटचिंग फोटो एंड इस फोटो को मैं यहाँ पर शेयर पे टैप करके ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद मैं बैकग्राउंड को काट कर लेता हूँ। गाइस कैसे बैकग्राउंड को काट करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस आप लोगों को पेंसिल वाला आइकन के अंदर टैप करना है। टैप करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ब्रश मिल जाएगा, आप लोगों को नीचे स्वाइप करके यहाँ पर से हार्ड इरेजर ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग को ओपन कीजिए एंड कुछ इस तरीके से रखना है सेटिंग। और उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर से नीचे एक ऑप्शन देख सकते हो एम टी लेयर के नीचे, और उस ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद गाइस आप लोगों को जूम करके बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है, ठीक है गाइस। सो गाइस धीरे धीरे बैकग्राउंड को इरेज कर लीजिएगा, तभी आपका जो बैकग्राउंड है बहुत ही अच्छे से इरेज होगा। जितने अच्छे से इरेज करोगे बैकग्राउंड उतना ही आपका फोटो अच्छा एडिटिंग होने वाला है, ठीक है। सो गाइस मैं यहाँ से बैकग्राउंड को इरेज कर लेता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को बताऊँगा बैकग्राउंड को कैसे यहाँ पर से चेंज करना है, ठीक है। सो फटाफट से मैं बैकग्राउंड को काट कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, जैसे कि मैं फुल बैकग्राउंड को काट कर लिया। काट करने के बाद गाइस आप लोगों को इस वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद गाइस आप लोगों को इनपुट इमेज पर टैप करके बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक पर है, आप लोग बहुत इजीली जाकर डाउनलोड कर पाओगे। सो मैं कुछ इस तरीके से लगाकर राइट क्लिक करूँगा एंड उसके बाद गाइस लेयर वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करने के बाद नीचे वाले लेयर को ऊपर ले आऊँगा एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो फोटो है बहुत ही अच्छे तरीके से बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। एंड फिर भी आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, तो इसको फिर से रिटचिंग करना है। फिर से आप लोगों को सेव वाले ऑप्शन के अंदर टैप करके सेव कर लेना है और उसके बाद आप लोगों को लाइट मैप के अंदर ओपन करके यहाँ पर से रिटचिंग कर लेना है, ठीक है। सो चलिए लाइट मैप के अंदर। सो गाइस रिटचिंग करने के लिए मैं लाइट मैप के अंदर फोटो को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले लाइट को एडजस्ट करना है। तो गाइस आप लोगों को लाइट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है, फिर से हाईलाइट को माइनस की तरफ, शेडो को हाई, कॉन्ट्रास्ट को हाई। और उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करके यहाँ पर से कलर को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि सबसे पहले मेन चीज़ है व्हाइट बैलेंस। व्हाइट बैलेंस को आप लोग यहाँ पर राइट की तरफ कर दीजिए थोड़ा सा एंड टिल्ट को माइनस की तरफ, ठीक है। एंड गाइस आपका जो फोटो है कुछ इस तरीके का हो जाएगा।
एंड उसके बाद गए सब लोगों को कलर वाले ऑप्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पर से येलो कलर को सिलेक्ट करके थोड़ा सा सेचुरेशन को हाई कर देना है। एंड उसके बाद जो यहाँ पर ऑरेंज कलर है इसको सिलेक्ट करके लेमुलेशन यहाँ पर सेचुरेशन को माइनस की तरफ लेमुलेशन को थोड़ा सा हाई। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, डन पर टैप करके यहाँ से शार्पनेस क्लियरिटी को हाई कर देना है, पिगमेंट को माइनस की तरफ, और शार्पनेस को हाई कर देना है, नॉइस रिडक्शन को हाई कर देना है। एंड आपका जो फोटो रेडी हो जाएगा, यार यहाँ पर मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? आप लोग देख सकते हो इस कितने मस्त तरीके से रिटचिंग हुआ है, कितने अच्छे तरीके से। आज का वीडियो इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। बाय बाय।